बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है नरसिंह जयंती। इस दिन भगवान नरसिंह की कृपा से लंबी उम्र और सर्व कल्याण का वरदान पाया जा सकता है। तो जानते हैं किस तरह से भगवान नरसिंह आपकी सहायता कर सकते हैं। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का संहार कर प्रहलाद के साथ संसार कल्याण किया। अब आपको सुनाते हैं वो धार्मिक पौराणिक कथा जो बताती है कि हमेशा सौम्य दिखने वाले भगवान विष्णु ने इतने रौद्र स्वरूप में अवतार क्यों लिया था। राक्षस राज हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी नर या पशु अस्त्र या शस्त्र से दिन में या रात में घर के अंदर या घर के बाहर न जमीन पर और न ही आसमान में मार सकता था। इस वजह से उसने स्वयं को भगवान समझ लिया। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए और उसे कई प्रकार से मारने की साजिशें रची, लेकिन विष्णु कृपा से हर बार प्रहलाद बच गए। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और वो खम्भा फाड़ कर प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर घर की दहलीज पर अपने दोनों पैरों पर लिटा लिया और अपने तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका अंत कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार पांचवा अवतार माना जाता है। यह अवतार उग्र प्रकृति का था, शक्तिशाली प्रकृति का था। इनके इस अवतार से नकारात्मक शक्तियों का समन हो जाता है। खंभे से इनका प्रकाट्य हुआ था। इस कारण से गोधूली के समय भगवान नरसिंह के पूजा करने से, आराधना करने से सकारात्मक फल की प्राप्ति ज्यादा होती है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि जो भी साधक नरसिंह जयंती के लिए शास्त्रीय विधान के साथ भगवान नरसिंह की पूजा आराधना करता है, भगवान नरसिंह सदा उसके साथ रक्षा कवच के रूप में मौजूद रहते हैं। तो आप भी श्री हरि के इस परम शक्तिशाली स्वरूप की उपासना करिए। आपका कल्याण करेंगे भगवान नरसिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।